आपको आगाह करते चलें, फैसलाबाद में एक और नन्ही मासूम परी सुतेली माँ के जुल्म का शिकार, जिसकी तफसीलात से हमें आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना शकूर। जी राना शकूर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी, फैसलाबाद निशाताबाद में कम सन बच्ची पर जुल्म की इंतहा। तफसीलात के मुताबिक फैसलाबाद निशाताबाद में सौतेली माँ और सगे बाप ने कम सन बच्ची पर बेहिमाना तशद्दुद किया। तशद्दुद करने की वजह सिर्फ इतनी थी कि इस बच्ची ने सवैयाँ खा ली जो कि दूसरे बच्चों के लिए बनाई गई थी। रात के वक्त तशद्दुद किया और घर से निकाल दिया। बच्ची हमसाए मोहम्मद आसफ की सिस्टर के घर चली गई, जिन्होंने तिब्बी इमदाद की और इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। हमसाए ने बताया कि सौतेली माँ और सगा वालिद इन पर रोज़ाना तशद्दुद करते हैं, इन्हें इस बच्ची के भाई पर भी तशद्दुद किया करते थे। हमारी हुकूमत से अपील है कि ऐसे वालिदैन को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी वालिदैन बेसहारा बच्चों पर तशद्दुद करने का सोचे भी नहीं। राणा शकूर, सोहना पाकिस्तान न्यूज़, फैसलाबाद। आपको एक और ख़बर से आगाह करते चलें, फैसलाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मासूम बच्ची पर तशद्दुद करने वाली सौतेली माँ और सगे बाप को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी तफसीलात से हमें आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना शकूर। जी राना शकूर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी हाँ, मासूम बच्ची की सदा रंग ले आई पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक आज रात सौतेली वालदा और सगा वालदा ने बच्ची पर तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में सुबह पुलिस को अतला मिली तो पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए बच्ची पर सौतेली माँ और सगा वालद तशद्दुद के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वालद, सौतेली माँ और मासूम बच्ची को मंसूरा आबाद पुलिस स्टेशन ले गई। कोतवाली वोमन पुलिस स्टेशन और एंटी वोमन हरासमेंट सेल कोतवाली ने वालद वालदा को पकड़कर मंसूराबाद पुलिस स्टेशन SHO के हवाले कर दिया। राणा शकूर, सोहना पाकिस्तान न्यूज़, फैसलाबाद।